मेल मिलाप और सह अस्तित्व और समावेशी सोच को आत्मसात करने वाली भारतीयता के सच्चे प्रतीक थे महाराजा सूरजमल। राजा सूरजमल के समकालीन इतिहासकार उन्हें जाटों का प्लेटो कहते हैं। एक आधुनिक इतिहासकार उन्हें स्पष्ट दृष्टि और बुद्धिमता को देखते हुए उनकी तुलना ओडिसिस से करते हैं। महाराजा सूरजमल एक ऐसे जाट राजा थे जिनसे मुगल थर्राते थे। रात को सपने में उन्हें महाराजा सूरजमल दिखते और वो गहरी नींद में डर कर भाग खड़े होते। वीर योद्धा, दूरदर्शिता, सूझबूझ, चातुर्य और राजमर्मज्ञता के सुखद संगम महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को डीग के महलों में हुआ। उनके पिता राजा बदन सिंह और माता देवकी थी। इतिहास ने राजपूत राजाओं को भले ही महिमा मंडित किया हो, लेकिन जाट राजा सूरजमल ऐसे अजेय योद्धा थे जो सूरज के समान चमकते और दमकते अलग ही दिखाई देते हैं। राजा सूरजमल स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने का सपना देखने वाले और कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुकने वाले योद्धा थे। जाटलैंड में सक्रिय रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रमोद कुमार बताते हैं कि महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन काल में कुल 80 युद्ध लड़े और सभी युद्ध उन्होंने जीते। ये इतिहास में अंकित है कि जिन्होंने कुल 80 युद्ध किए और 80 के 80 जीते, ऐसा कुशल युद्ध नीति वाला शासक अगर भारत में कोई हुआ तो वो है एकमात्र अजय महाराजा सूरजमल। उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ 14 साल की उम्र से हो गया था। 25 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल दिल्ली के वजीर नजीबुद्दौला के साथ लड़े गए युद्ध में धोखे से किए गए हमले में वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रमोद कुमार आगे बताते हैं कि दिल्ली के वजीर के सेनापति ने अपने हरम में रखने के लिए एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया था। इस देश में हम आपको पता ही है कि मुगलों का शासन रहा। एक क्रूर मुगल शासक हुए जिसका मैं नाम भी लेना उचित नहीं समझता हूँ। उसके एक वजीर जिनको एक ब्राह्मण बालिका नवयुवती पसंद आ गई और उस गलत मानसिकता के व्यक्ति ने उसको अपने हरम में शामिल करने के लिए जब कहा तो उसकी उसकी करुणा, उसका जो है व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसने एक दिन का समय मांगा और एक दिन के समय में केवल उसकी उम्मीद महाराज सूरजमल से थी। महाराजा सूरजमल को उन्होंने संदेशा भिजवा दिया और कहा कि मेरी मदद करें। महाराजा सूरजमल एक उदात्त और एक मूल्यवान महाराजा रहे हैं। उन्होंने इस बात को सुनते ही उस संबंधित मुगल शासक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उस युद्ध का ये हुआ परिणाम कि उस लड़की को वहां जाने से रोका गया। तो ब्राह्मण हो, जाट हो या किसी भी बिरादरी से हो, हर एक के साथ खड़े रहना सूरजमल की अपनी एक पहचान बनी। ब्राह्मण कन्या ने बड़ी ही चालाकी से सेनापति से सोचने के लिए कुछ दिन की मोहलत मांगी और मौका पाकर हिंदू कन्या ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल को एक पत्र लिख दिया। पत्र में महाराजा सूरजमल से खुद की इज्जत और धर्म की रक्षा करने की गुहार लगाई। ब्राह्मण कन्या का पत्र पाकर और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के वजीर नजीबुद्दौला पर हमला बोल दिया। उसके बाद करीब करीब दिल्ली को फतेह करने के बाद महाराजा सूरजमल अपने सेनापतियों के साथ परामर्श करने के लिए हिंडन नदी के किनारे आ गए, जहां दुश्मन की सेना घात लगाए बैठी हुई थी। दुश्मन की सेना ने अचानक महाराजा सूरजमल पर हमला कर दिया और वो शहीद हो गए। महाराजा सूरजमल की वीरगति का बदला बाद में उनके पुत्र वीर जवाहर सिंह ने दिल्ली को फतेह करके लिया। महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली को फतेह करने के साथ ही लाल किले में लगा चित्तौड़गढ़ का दरवाजा उखाड़ कर ले आए और उसे लोहागढ़ किले में लगा दिया। अगर आपका कभी भरतपुर जाना हो तो उस किले में जाकर उस दरवाजे को आज भी लगा हुआ देख सकते हैं। ये कहानी बयां करती है जाटों की शूरवीरता की। आज महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर
हम उनको शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।